हेलो गाइस, सो वेलकम आवर न्यू वीडियो। एंड आज का वीडियो में हम जानेंगे कि ये आज का जो वीडियो है गाइस, वो थोड़ा टेक्निकली होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो हम जानेंगे वो है शटर कितने प्रकार के होते हैं, और जो शटर जितने टाइप्स के होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा गाइस कि ये मैकेनिकल शटर एंड इलेक्ट्रॉनिक शटर या तो फिर कट इन फर्स्ट शटर। ये मैकेनिकल शटर क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक शटर क्या होता है? कई बार आपको कैमरा ब्रांड्स लिख करके देते हैं, इन मैकेनिकल शटर ये जो कैमरा है वो 20 फ्रेम पर सेकंड शूट करेगा, या तो फिर इन इलेक्ट्रॉनिक शटर ये जो कैमरा है वो 20 फ्रेम पर सेकंड शूट करेगा। तो ये मैकेनिकल शटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक शटर होता क्या है? एंड कई बार आपको इन दोनों के बीच में एक और जो शटर का नाम है वो आपको देखने को मिलेगा, वो है कट इन फर्स्ट शटर। सो आज हम जानेंगे आज के वीडियो में कि ये जो हमारा टाइप्स ऑफ शटर होता है, इसका क्या डिफरेंस होता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, या तो फिर अभी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो कौन सा शटर यूज करते हैं। एंड गाइस, अभी मैं ये मिरर लॉकअप या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, ये दोनों बहुत ही अलग अलग है। इन दोनों को आप मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक शटर एंड इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो मिररलेस में आए वो थोड़ा सा सेम है, नॉट सेम है इलेक्ट्रॉनिक, बट ये इलेक्ट्रॉनिक शटर जो है वो DSLR से ही चलता आ रहा है। ये इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, मिरर लॉकअप हो गया, या तो फिर पेंटा प्रिज्म जो ऊपर जाता है, या तो फिर हमारा जो व्यू फाइंडर होता है उससे जब हम देखते हैं तो पहले ऑप्टिकल व्यू फाइंडर था, अब इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आ गया। बट इन सब का मैकेनिकल शटर या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक शटर या तो फिर कट इन फर्स्ट शटर, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शटर जो होता है गाइस वो हमारे सेंसर के आगे होता है, वो हमारे सेंसर का लाइट ब्लॉकिंग करने का एक मान लो तो पर्दा होता है जो हमारे सेंसर के आगे लगा हुआ होता है, उसे हम शटर स्पीड के नाम से जानते हैं, जिससे हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा जो सेंसर है मीन्स हमारा जो रूम है उसमें कितना देर तक लाइट आएगा वो हम अपने पर्दे से डिसाइड करते हैं, यानी कि शटर ब्लॉक से डिसाइड करते हैं, जो कि दो तीन प्रकार के आपको देखने को मिलते है। ऐसे शटर तो आपको दो ही प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक मैकेनिकल शटर एक इलेक्ट्रॉनिक शटर, बट इन दोनों के बीच में आपको एक और नाम कई बार सुनने को मिलेगा, वो है जो कि कट इन फर्स्ट शटर। सो आज हम जानेंगे इन सारे के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मली टेक्निकली जानने के लिए बस आप ये वीडियो देख लो कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइज, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये व्यू फाइंडर या तो फिर पेंटा प्रिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पेंटा प्रिज्म जो होता है गाइज वो हमारे शटर के आगे होता है, ठीक है। पेंटा प्रिज्म जो होता है वो हमारे शटर के आगे होता है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हो गया, जैसे कि आप देख लो कि ये आपका सेंसर हो गया, ये आपका सेंसर हो गया। इसके बाद मैं एक पेज और यहाँ पे लगाता हूँ, ये आपका शटर हो गया, ये जो दूसरा पर्दा आया सेंसर के ऊपर ये शटर हो गया। बट इन DSLR क्या था कि इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के आगे भी एक और मिरर लगता था, उसे पेंटा प्रिज्म कहते थे। ये जो पेपर आप देख रहे हो गाइस ये पेंटा प्रिज्म हो गया, बट जैसे ही मिरर लेस आया तो ये जो पेंटा प्रिज्म था ये हट गया। अभी हम जान लेते हैं इस पेंटा प्रिज्म का क्या काम होता था। पेंटा प्रिज्म का काम होता था कि हमारा जो लेंस देख रहा है, जो हमारा फ्रेम लेंस देख रहा है, उसे बस मिरर के थ्रू आपके व्यू फाइंडर तक पहुंचाना, ये आपका पेंटा प्रिज्म का काम था। पहले जब DSLR आते थे, जब आप व्यू फाइंडर में देखते थे तो वो पेंटा प्रिज्म से दिखते थे, ना कि आपके सेंसर से दिखते थे। आपका जो अपर्चर होल होता है लेंस में उससे लाइट आता है, देन उसके बाद आपका पेंटा प्रिज्म के मिरर पे वो लाइट हीट करता है, एंड हीट करने के बाद पेंटा प्रिज्म में वो मिरर वो इमेज के व्यू फाइंडर में आपको शो करता है। बट इन मिररलेस जैसे ही आया तो वो पेंटा प्रिज्म का काम जो था वो एक पेपर हट गया, मीन्स आपका पेंटा प्रिज्म आपके कैमरे से हट गया। तो अब क्या बचा, ये आपका बच गया सेंसर,
ये आपका बच गया शटर। सो अब हम समझ गए कि इस बीच में हमें से ये पेंटाप्रिज्म से कोई मतलब नहीं है, हमें बस शटर से मतलब है। और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो होता है गाइस, वो भी हमारा पेंटाप्रिज्म हटने के कारण ही आया, क्योंकि हमारे सेंसर से डायरेक्टली लाइट जो है वो हमारे व्यू फाइंडर तक पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉनिक के जरिए। मीन्स वो टेक्निकली हमारा कैमरा इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, मीन्स टेक्निकली हमारा कैमरा जो है वो व्यू फाइंडर में हमारे इमेज को सेंड कर रहा है हमें देखने के लिए। सो अभी हम समझ गए गाइस कि आज जो हमारा क्लास है वो कोई पेंटा प्रिज्म या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर या तो फिर मिरर लॉकअप, इन सब से कोई मतलब नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ जाता है इस वीडियो को देखने के बाद कि ये इलेक्ट्रॉनिक शटर, मैकेनिकल शटर, ये कहीं पेंटा प्रिज्म से तो रिलेटेड नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर एंड पेंटा प्रिज्म एंड मिरर लॉकअप, ये तीनों से कोई आपका जो आज क्लास है इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका मैकेनिकल शटर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक शटर क्या है, या तो फिर कट एंड फर्स्ट शटर। इन सारे के ऊपर आपके पेंटा प्रिज्म या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर या तो फिर मिरर लॉकअप, इस सबसे कोई असर नहीं पड़ता है। सो इन सब को आप समझ गए होंगे, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाला जो वीडियोस है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, अभी जो हम जानेंगे वो है, पहले जानते हैं मैकेनिकल शटर किसे कहते हैं। मैकेनिकल शटर, जैसे कि आपको मैंने बताया पेज के माध्यम से, ये हमारा सेंसर है, ये हमारा सेंसर है एंड उसके ऊपर ये शटर है। अब हम जानेंगे क्या कि हमारा जो शटर होता है वो शटर खुलता कैसे है। शटर में गाइस दो कर्टेन होते हैं। सो गाइस, पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट कर्टेन एंड रियर कर्टेन क्या होता है, मीन्स फर्स्ट कर्टेन एंड सेकंड कर्टेन क्या होता है। आपका जो सेंसर होता है उसके आगे दो कर्टेन होते हैं, एक फर्स्ट कर्टेन एंड एक सेकंड कर्टेन, मीन्स रियर कर्टेन। उसका काम ये होता है कि पहला जो कर्टेन है, मीन्स ये जो कर्टेन है, वो क्या करता है, वो खुलता है, वो आपके सेंसर को रास्ता, वो आपके लाइट, आपके कलर्स को, आपके ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन कलर, रिफ्लेक्शन लाइट को एक रास्ता देता है आपके सेंसर तक जाने के लिए, आपके सेंसर को हीट करने के लिए। एंड सेकंड वाला जो कर्टन होता है उसका क्या काम होता है, उस रास्ता को ब्लॉक करना। सो सिंपल सी भाषा में आप समझ गए होंगे गाइस कि फर्स्ट कर्टन जो होता है वो आपका रास्ता खोलता है आपके डाटास, आपके कलर्स को रीड करने के लिए आपके सेंसर को। एंड सेकंड वाला जो कर्टन है वो उस रास्ता को ब्लॉक करता है समय के निर्धारित पे, मीन्स आपने जो शटर स्पीड रखा है उस पे निर्भर हो करके कि आपने जो शटर स्पीड रखा है वो कितने देर तक लाइट अंदर सेंसर पे हीट करेगा, ये आप शटर स्पीड से तय करते हो। तो आई थिंक आप फर्स्ट कर्टेन एंड सेकंड कर्टेन समझ गए होंगे। ये फर्स्ट कर्टेन, ये रियर कर्टेन। तो ये जो फर्स्ट कर्टेन होता है वो जब हम मैकेनिकल शटर से फोटोज क्लिक करते तो हमारा क्या होता है, पहले फर्स्ट कर्टेन ऐसे खुलता है, पहले जो हमारा फर्स्ट कर्टन है वो ऐसे खुलता है। देन उसके बाद जब हमारा एक्सपोजर टाइम एंडिंग आता है तो क्या होता है कि हमारा जो दूसरा रियर कर्टन है वो गिरता है एंड लाइट को ब्लॉक कर देता है आपके सेंसर में आने तक, तभी आपका जो शटर है वो बंद हो जाता है एंड आपका फोटोज जो है वो क्लिक हो करके आपके मेमोरी कार्ड में सेव होता है। सो अभी आपने समझा गाइस कि मैकेनिकल शटर क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट कर्टेन होता है वो पहले गिरता है, उसके बाद आपके जो लाइट है वो सेंसर पे हीट करता है, उसके बाद जो सेकंड कर्टेन है वो लाइट को ब्लॉक करता है आपके सेंसर में जाने से, कि आपने जो शटर स्पीड तय किया, आपने जो ट्रैवलिंग टाइम तय किया, आपने जो टीवी तय किया, टाइम वैल्यू जो आपने शटर स्पीड का तय किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शटर है वो इतना देर तक लाइट को एब्जॉर्ब करे, मीन्स इतना देर तक लाइट को राइट करे मेरे इमेज में, वो आप शटर स्पीड के माध्यम से कंट्रोल करते हो। बट जो कटिन होता है वो आपका शटर स्पीड के माध्यम से खुलता है एंड बंद होता है। तो मैकेनिकल शटर में क्या होता है कि आपका रियर कर्टेन खुला, उसके बाद लाइट अंदर आया, तब तक आएगा जब तक कि आपने जितना टाइम वैल्यू रखा है अपना, जितना अपना शटर स्लो रखा है या तो फास्ट रखा है, उसके बाद जैसे ही आपने फास्ट शटर रखा है तो या तो फिर स्लो शटर रखा है, उसका जब टाइम एंडिंग आएगा, शटर का टाइम एंडिंग आएगा, तो क्या होगा कि आपका रियर कर्टेन
जो आपका सेकंड कर्टन होगा वो गिरेगा एंड आपका लाइट को ब्लॉक कर देगा। ये आपका मैकेनिकल शटर में आपका जो शटर है वो ऐसे काम करता है आपके सेंसर के लिए, मैकेनिकल शटर है। एंड दूसरा हम क्या जानेंगे, हम जान रहे थे इलेक्ट्रॉनिक शटर क्या होता है गाइस। इलेक्ट्रॉनिक शटर को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन शटर का। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन अगर आप समझोगे तो इलेक्ट्रॉनिक में उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन भी गाइस वो आपके मैकेनिकल शटर के जैसा ही है काम करता है। कि मैकेनिकल शटर में क्या होता था, आपका जो फर्स्ट कर्टेन है वो पहले गिरता था, देन उसके बाद सेकेंड कर्टेन गिरता था। बट इन इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन शटर में, जैसा कि आपने लिखा हुआ है पढ़ रहे होगे, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन मतलब कि आपका जो फर्स्ट कर्टेन जो कि मैकेनिकल शटर में शटर प्रेस करने के बाद खुलता था, वो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन शटर में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट कर्टेन है वो पहले ही खुल जाएगा। आपके शटर बटन को प्रेस करने से पहले ही वो रियर फर्स्ट कर्टेन जो होगा वो खुला हुआ रहेगा। जैसे कि मेरा ये मान लो कि आपका ये सेकंड कर्टेन है, ये रियर कर्टेन है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन में हो तो आपका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन पे सेट करके रखो तो होगा क्या कि ये जो आपका फर्स्ट कर्टेन है, ये मैं रियर कर्टेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कर्टेन जो कि खुलता है किस लिए, आपके लाइट को सेंसर तक पहुँचाने के लिए, जो कि आपके लाइट को सेंसर तक हीट करने के लिए ये फर्स्ट कर्टेन खुलता है। एंड लाइट लाइट को ब्लॉक करने के लिए आपका सेकंड कर्टेन बंद होता है। तो ये क्या होता है, आपका जो फर्स्ट कर्टेन है वो खुला रहता है, बट हाँ खुला रहता है इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो इमेज है वो पहले से डाटा को राइट कर रहा है, जी नहीं, आपका जो इमेज है वो शटर बटन प्रेस करने के बाद ही वो लाइट को राइट करेगा आपके इमेज में, बट हाँ ये खुला हुआ होगा। इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन क्या होता है। सो ये जो फर्स्ट कर्टेन है वो पहले खुला रह जाएगा, देन अब जब आप फोटोज को क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली बिना वाइब्रेशन हुए वो डायरेक्टली आपके सेंसर पे लाइट को हीट करेगा। उससे आपका क्या बेनिफिट है कि एक तो जब आप फोटोज क्लिक कर रहे थे उस टाइम फर्स्ट कर्टेन जो खुल रहा था, उस टाइम जो फर्स्ट कर्टेन खुल रहा था उसका जो वाइब्रेशन था, उसका जो वाइब्रेट वो कर रहा था, वो जो मोशन ला रहा था आपके इमेज आपके सेंसर में, थोड़ा सा वो हिलता है जब वाइब्रेट होता है आपका शटर, जब वाइब्रेट होता है तो आपके सेंसर में थोड़े से हिलने के चांसेस रहते हैं, तो आपका जो इमेज है वो नॉर्मल सा, किसी को नहीं पता चलता बट वो नॉर्मल सा शेकी टाइप का आता है क्योंकि वो हल्का सा वाइब्रेट होता है आपका सेंसर। तो उससे आप बच सकते हो कि आपका जो रियर फर्स्ट कर्टेन है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन है, वो क्या करता है कि आपके फर्स्ट कर्टेन को वो पहले से खोल के रखता है। देन आपका जो जब आप फोटोज क्लिक करोगे तो आपका जो डाटाज है, आपका जो कलर्स है, वो आपके सेंसर राइट कर लेंगे। जैसे ही वो कलर को राइट कर लेंगे उसके बाद जब शटर एंडिंग आता है तो आपका इमेज सेव हो जाएगा। उसके बाद रियर ब्लॉक कर्टेन जो है वो गिरेगा नीचे, मीन्स लाइट को ब्लॉक करेगा। उसका काम सेम ही है, वो लाइट को ब्लॉक करेगा, रियर कर्टन जो सेकंड कर्टन है आपका वो आपके लाइट को ब्लॉक करेगा आपके सेंसर तक आने से। सो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन क्या होता है। इसमें होता है क्या कि आपका पहला कर्टेन खुला रह जाता है, उसके बाद आप जब शटर बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो सेंसर्स है वो लाइट को हीट करता है, आपका जो लाइट है वो सेंसर को हीट करता है, देन उसके बाद आपका जो कलर्स है वो आपके मेमोरी कार्ड में इमेज के थ्रू वो पिक्सल बाई पिक्सल सेव होते जाता है आपके इमेज में। वो हम बाद में जानेंगे गाइस कि हमारा जो सेंसर है वो पिक्सल कैसे प्रोड्यूस करता है, कलर्स को कैसे एब्जर्व करता है। बस अभी आप इतना जान लो कि हर एक कलर जो है वो सेम टाइप का एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है, तो हर एक जो कलर होगा उसका सेम टाइप का डाटा आपके इमेज में नहीं सेव होता है, क्योंकि हर एक कलर का एनर्जी, हर एक कलर का वेवलाइन, हर एक कलर का फ्रिक्वेंसी अलग अलग होता है। ये एक अलग चैप्टर है, इसे हम अलग चैप्टर में जानेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन था वो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारा फर्स्ट कर्टेन खुला रह जाता है, उसके बाद इमेज कलर्स को रीड करता है, इमेज कलर को राइट करता है, उसके बाद जो आपका सेकंड कर्टेन है वो ब्लॉक करता है आपके सेंसर पे लाइट आने से। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन।
अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शटर किसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शटर, जैसा कि आपको सुना नाम सुनने में लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसमें मैकेनिकल कोई काम नहीं होता है। आपका जो फर्स्ट कर्टन है या तो फिर सेकंड कर्टन है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो सेंसर्स है उसके ऊपर जो शटर, रियर कर्टेन एंड फर्स्ट कर्टेन जो भी होता है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शटर में कर्टेन का कोई काम नहीं है। कर्टेन का कोई काम नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शटर, मैकेनिकल शटर या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन शटर, ये सब कैसे काम करते हैं। अगर वो कोई वीडियो मिल गया तो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करता है। बट आप समझ गए होंगे मैंने जो आपको एक प्रैक्टिकली हाथ से जो समझाया कि ये फर्स्ट कर्टेन एंड रियर कर्टेन क्या होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक शटर में क्या होता है, आप जब फोटोज क्लिक करते हो, जब आपका जो शटर बटन होता है, जब आप शटर प्रेस करते हो, उससे पहले ही आपका जो फर्स्ट कर्टेन होता है, मींस आपका जो कर्टेन होता है, जो फर्स्ट कर्टेन का क्या काम था मैंने आपको बताया कि वो लाइट को हीट करने के लिए, आपके सेंसर पे लाइट को हीट करने के लिए रास्ता देता है। एंड सेकेंड जो होता है वो आपके रास्ता को ब्लॉक करता है, मीन्स अंदर लाइट जाने से ब्लॉक करता है। ये आपका फर्स्ट कर्टेन और सेकंड कर्टेन का काम हो गया। सो इलेक्ट्रॉनिक शटर में आपका दोनों जो कर्टेन होता है, आपके सेंसर के आगे जो दोनों कर्टेन होते हैं वो पहले से ही ओपन होते हैं। एंड देन उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन में क्या हो रहा था कि फर्स्ट कर्टेन जो था वो ओपन रह जाता था, बट जब आप फोटोज क्लिक करते थे उसके बाद क्या होता था, सेकंड कर्टेन जो है उसका काम होता था लाइट को ब्लॉक करना। ये हमने पहले भी जाना था कि पहले कर्टेन का काम होता है रास्ता देना, सेकंड कर्टेन का काम होता है रास्ता को ब्लॉक करना। बट इन इलेक्ट्रॉनिक शटर हमें कर्टन का कोई काम ही नहीं है, तो हम बस जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। जब हमारा कर्टन ही नहीं काम कर रहा है, जब हमारे सेंसर्स के आगे कोई शटर ही नहीं है, मीन्स हमारे सेंसर्स के आगे कोई कर्टन ही नहीं है, तो हमारा लाइट जो है वो शटर स्पीड के अनुसार कैसे निर्भर होता है, मीन्स शटर स्पीड के अनुसार कैसे वो लाइट को राइट करता है हमारे सेंसर में। तो ये जो पूरा मेथड है गाइस, इसको हमें इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मीन्स ये डिजिटली हमारे सेंसर्स को रीड करके उसे ऑफ करता है, मीन्स कोई ब्लॉकिंग कर्टेन उस पर नहीं गिरता है, वो डिजिटली मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली आपके शटर को हॉरिजेंटली लाइन बाय लाइन को रीड करता है, देन उसके बाद उसको ऑफ करते जाता है। बट ये जो स्पीड है ये बहुत ही फास्ट होता है एंड हम लोगों को इतना पता नहीं चलता है। बट या इसका जो प्रभाव है वो हमारे इमेज पे पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, जब हम किसी मूविंग सब्जेक्ट को, मीन्स जब हम किसी मूवमेंट को, अगर मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक शटर में कभी भी कैप्चर नहीं होगा, वो ब्लरी आएगा एंड उसमें डिस्टॉर्शन भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप समझ लो कि ये आपका सेंसर्स है, ये आपका सेंसर है एंड इलेक्ट्रॉनिक शटर में क्या करता है कि आपका जो कर्टेन है वो नहीं गिरता है, नहीं खुलता है, आपका जो सेंसर्स है वो ऐसे दिखता रहता है एंड डायरेक्टली इस पे लाइट हीट होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, आपका जो कैमरा है, आपका जो कैमरे का एल्गोरिथम है, वो डायरेक्टली ऐसे लाइन बाय लाइन चेक करता है कि आपका डाटा सेव हुआ है या नहीं। जैसे कि हॉरिजेंटली ये आपका डाटा पहले इस लाइन में चेक करेगा, इन इलेक्ट्रॉनिक शटर जैसे ही आपका शटर एंडिंग टाइम आएगा तो पहले इस लाइन को चेक करेगा, फिर इस लाइन को चेक करेगा, फिर इस लाइन को चेक करेगा, फिर इस लाइन को चेक करेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक शटर में वो आपके लाइन बाई लाइन को पहले चेक करेगा, देन उसके बाद कर्टेन के जैसा ही वो रास्ता ब्लॉक करता जाएगा। जैसे जैसे चेक करता जाएगा वैसे वैसे ब्लॉक करता जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि मूवमेंट में ये ब्लरी क्यों आता है। मूवमेंट में ब्लरी ये इस कारण आता है क्योंकि जब वो चेक कर रहा है तो उस बीच में कुछ टाइम का तो डिफरेंस होगा, तो वो जो टाइम का डिफरेंस होता है तो वो तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो मूविंग में है, तो हमारा जो सेंसर ब्लॉक कर रहा है, हमारा जो सेंसर लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो वो लाइट यहाँ भी छपा, देन मेरा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उसके बाद जो मेरा सेंसर्स है वो फिर नीचे वाले हॉरिजेंटली लाइन को चेक करेगा, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी तो थोड़ा सा मूव हुआ, देन उसके कारण क्या होगा, उसका जो परछाई है, उसका जो लाइट है वो यहाँ पे भी छप जाएगा, देन उसमें हमें थोड़ा सा सेकी टाइप का इमेज मिलेगा, ब्लरी टाइप का इमेज मिलेगा।
एंड वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा, क्योंकि राउंडिंग अगर मूवमेंट है तो वो राउंडिंग होगा, तो राउंडिंग में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ ही जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राउंडिंग में डिस्टॉर्शन क्यों आता है मूवमेंट में, तो वो हम कभी और जानेंगे। आई थिंक, आई होप ये आप मैकेनिकल शटर, इलेक्ट्रॉनिक शटर, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन शटर क्या होता है आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं बहुत ही अच्छा से समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, आपको आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आप उसे ज्वाइन करो। देन उस ग्रुप में आप मेरे से पूछो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा एंड मैं तब तक आपको समझाऊंगा जब तक कि आप अच्छे से समझ नहीं जाते हो। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक वाले बटन को प्रेस करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एंड ये जो जितने भी शटर टाइप्स होते हैं गाइज, इसके बारे में इन हिंदी आई थिंक कोई भी वीडियो नहीं है हमारे यूट्यूब पे जो कि इन सब में से डिफरेंस को बताए। तो मैंने चेक किया, कोई भी नहीं था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को बताया जाए कि ये डिफरेंस क्या होता है हमारे शटर के बीच में। सो गाइज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। एंड अगर आप मेरा FB या तो फिर इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो जाओ फॉलो करो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियो में।